मैं राष्ट्रप्रिय समाचार से सरदार पूर्ण सिंह उत्तराखंड से हूँ और हमारा घर दिल्ली में है। हमने हमारी ज़मीनें जहाँ पर दिल्ली में थी पाकिस्तान से आए तो हमें उसके पेपर वगैरह मिले हुए हैं, उसकी जो कॉपियाँ मिली हुई हैं, लेकिन उसके बाद में ज़मीनें हमें दिल्ली में मिली, दिल्ली में आई तक हमें ज़मीनों का हक नहीं मिल पाया। ये हमारे पास नाम हमारे हैं, फर्दे हमारी हैं, कम से कम 300 एकड़ ज़मीन दिल्ली में है, छतरपुर में और टिगड़ी में है, 5 गांव मेरे हैं। पाकिस्तान से आने के बाद हमें आज तक हक नहीं मिल पाया। ये गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया हुआ है। हम अब ये किसान आंदोलन जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा एक किसानों ने आंदोलन किया है, जिस आंदोलन को हम अपनी दृष्टि से ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा आंदोलन है ये सिरे चढ़ेगा और किसान जीतेगा। सदा ही ये जीता आया है और जीतेगा। हमारी जो समस्याएं हैं हल हों, हमारे कर्ज माफ़ी के जो हैं और हमारे जो किसानों की जो फसलें हैं उनकी कीमत पूरी मिल पाए, हम इस विषय में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा जो है, हम सारे इस जन समूह को धन्यवाद है जो जिन्होंने यहाँ आकर और मीडिया वालों ने अपना जो दिखाया है जलवा, और इसके हम इसमें बहुत ही खुश हैं। धन्यवाद। आप किस तरह देखते हैं किसान आंदोलन को, पूरे किसान आंदोलन? किसानों को हम देखते इतने प्रभावित हुए हैं, देखा अंत नहीं, देखते हुए इतना हमें दिल में आया। अब देख रहे थे घर में, टीवी में देख रहे थे, पर आज हम चल पड़े ना, हम भी चलते हैं और देखते क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पर तो देख के दिल को ऐसा ठोस पहुँच गई है, कैसे ज़्यादा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। किसानों का जो है मोटी हक दे, जो काले कानून अपने वापस ले, अच्छा रहेगा। ये काले पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज आ गए, इन्होंने सभी दुनिया को परेशान कर रखा है, यहाँ से लेकर पूरे वर्ल्ड तकर। ये बाहर देशों में जा के इसकी बाहर की इसको भाषा आ गई है, बाहर की भाषा आई है, हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं इसके पास है। किसान सभा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष, हम किसानों के साथ हैं। किसान भाइयों के साथ जब भी हुआ अत्याचार हुआ है, किसानों की कहीं सुनी नहीं गई, चाहे सरकार कोई भी सरकार हो, बीजेपी आई है ये भी परेशान कर रही है, कांग्रेस ने भी यही करा है, किसी सरकार ने किसानों का कोई भला नहीं करा है। इसीलिए किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों की समस्या सुनी जाए, हमारा यही है कि किसानों की समस्या सुनी जाए और ये बिल जो है ये वापस करा जाए, काला कानून तीनों वापस हों और MSP पे नया कानून लागू हो। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ पर खाना तकसीम किया जा रहा है, जो किसान आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, आप लोग ये बताएं डेली आते हैं क्या? जी डेली आते हैं इसी टाइम। क्या सब बना करके लाते हैं? वेज बिरयानी जी। उसमें क्या क्या डाला हुआ होता है? इसके अंदर मटर सोयाबीन डेली। कितने पैकेट डेली आप तकसीम कर देते हैं? 1000। 1000 आए कहाँ से आप ये बताएं? सुंदर नगरी। नाम बताएं, नाम? सुंदर नगरी से आए, दिल्ली सुंदर नगरी। आप अपना नाम बताएं? मेरा नाम मोहम्मद अरमान है। अच्छा अच्छा, ये कोई संस्था के थ्रू किया जा रहा है या आप लोग अपना पर्सनल कर रहे हैं? अपना पर्सनल कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ये देखिए बहुत ही अच्छी बात है, वरना लोग अपने प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, कोई संस्था के NGO के तहत काम करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये लोग जो है खुद पर्सनल अपने पैसे इकट्ठे करके ये लोग जो है खाना बना करके, सोयाबीन मटर और चावल की बिरयानी बना करके, ये लोग वेज बिरयानी बना करके यहाँ पर किसान आंदोलन में तकसीम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर लोग धरना भी करते रहे और भूख लगे तो उनकी भूख भी मिटाई जा सके। भारत न्यूज 91 NH 24 हाईवे से आपको दिखा रहा ये तस्वीरें, जो दिल्ली और UP को जोड़ता है ये हाईवे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।